बेंगलुरु धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची और एंटी बॉम्ब स्क्वाड सबूत जुटाने का काम कर रहा है। कल एनआईए की टीम भी घटनास्थल पर गई थी। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में उस वक्त जोरदार धमाका हुआ जब पूरा कैफे ग्राहकों से भरा था। धमाके के बाद हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम के मुताबिक बैग रखने वाले की पहचान हो चुकी है, पुलिस उसकी तलाश में है। बेंगलुरु धमाके में यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैफे में, रामेश्वरम कैफे में जोरदार धमाका हुआ और हमारे सहयोगी अरविंद ओझा की रिपोर्ट दिखा देगा। इस वक्त मैं रामेश्वर कैफे के ठीक बाहर मौजूद हूं और अगर अंदर देखें तो एनएसजी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। एनएसजी की बम डिस्पोजल यूनिट टीम पहुंची हुई है अंदर, जो रामेश्वर कैफे के ठीक बाहर ही ब्लास्ट हुआ था, वहां पर जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। दरअसल एनएसजी की ये जो टीम है ये कहीं भी जाकर एविडेंस कलेक्ट करती है और उसके बाद ये पता लगाती है कि जो धमाका हुआ है उसमें किस तरह का जो बारूद है, जो एक्सप्लोसिव है, किस तरह का मटेरियल है, वो बकायदा यूज किया गया था। तो वो उस चीज की जांच पड़ताल एनएसजी की जो ये बम डिस्पोजल यूनिट है वो करिए। देखिए अंदर की तरफ बकायदा जो फोटोग्राफी है वो भी की जा रही है। कल दोपहर 1 मार्च को दोपहर 1 बजे के लगभग जबरदस्त धमाका हुआ था। हालांकि जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि बहुत कम तीव्रता का ये धमाका नहीं था क्योंकि विस्फोट काफी जबरदस्त हुआ था। हालांकि जो कैफे है उसके बाहर ये बम रखा गया था, अगर अंदर रखा जाता तो कैजुअलिटी ज्यादा होती, लेकिन फिलहाल एनएसजी की टीम यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है अंदर एक एक जगह के चप्पे चप्पे की, जहां पर भी जो ये ब्लास्ट हुआ है उसकी इंटेंसिटी गई है उस जगह पर ये टीम एनएसजी की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दूं कि बेंगलोर में साल 2014 में चर्च गेट के पास भी एक कैफे के पास धमाका हुआ था। जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि 2014 में जो चर्च गेट के पास धमाका हुआ था काफी कुछ इस रामेश्वर कैफे के बाहर जो आईईडी ब्लास्ट हुआ काफी कुछ उसमें समानता है। तो फिलहाल अलग अलग एंगल से बेंगलोर पुलिस इस पूरे बम धमाके की जांच कर रही है। जो पूरा ये कैफे है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, इसके अंदर जाने की मनाही है और फिलहाल एनएसजी की टीम अंदर ही मौजूद है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ अरविंद ओझा, बेंगलुरु आज तक। और ये सीसीटीवी कि जो तस्वीरें हैं आपको हम दिखा रहे हैं, धमाके के बाद आरोपी की तस्वीर भी सामने आई है और वहीं मुख्यमंत्री से लेकर जो डिप्टी सीएम है उनका बयान भी लगातार आया है। बेंगलुरु में जो धमाका हुआ सघन जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपी का स्केच भी जारी हो रहा है। धमाके के बाद जो आरोपी है उसकी तस्वीर सामने आई है, आईईडी के जरिए ये ब्लास्ट हुआ। एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची है और ये शख्स आपको जो नजर आ रहा है कैप में टोपी लगाए हुए नंबर 10 ये लिखा हुआ है, ये वही शख्स है, आरोपी यही बता रहा है जिसने बैग रखा था। ये देखिए अब ये बड़ी तस्वीर सामने आ गई है किस तरह से इसने ये ब्लास्ट कराया, बैग रखा और इसी के बाद से ये धमाका होता है। अब इसकी कड़ियां कहां कहां तक पहुंची हैं, वो कहां जुड़ रहे हैं, इसी को खंगालने की काम करेगी एनआईए। एनएसजी की टीम भी मौके पर, रामेश्वरम कैफे बेंगलुरु, जोरदार धमाका, कई लोग जख्मी होते हैं, क्या सिर्फ दहशत फैलाना या कोई और साजिश के तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं, क्या कनेक्शन है, अब इसको खंगालने की कोई प्रक्रिया होगी। बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, एनआईए से लेकर एनएसजी तक पूरी टीम मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। धमाके के आरोपी की पहचान हो चुकी है। डीके शिवकुमार जो है डिप्टी सीएम वहां के कह रहे हैं कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी, पहचान इसकी हो चुकी है और तस्वीरें भी आ चुकी है सामने, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये कैप लगाकर शख्स नजर आ रहा है आरोपी, और क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, सुनिए। ऑलरेडी आई हैव सेड यू मोर देन 7 to 8 टीम हैज बीन फॉर्मड एंड दे हैव वी हैव अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द सीसीटीवी रिकॉर्ड्स हु हैज कम हु हैज गॉन आउट एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, एवरीथिंग इज देयर। आई एम श्योर माय ऑफिसर्स आर वेरी कैपेबल बिकॉज़ वी शुड गिव देम टाइम बिकॉज़ ऑलरेडी मोर ऑर लेस हु हैज एंटर्ड द hotel has been identified, his facial, what is there, there are lot of our officers are very capable, they will trace and by appropriate time our police officers will speak to you. बेंगलुरु से हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, क्या शिनाख्त इसकी हो गई है, क्या कोई कड़ियां जुड़ रही हैं, किस
ये संगठन से ताल्लुकात रखता कुछ भी अगर जानकारी मिल पा रही हो पुलिस के मुताबिक या फिर जो जांच टीम वहां पर बता रही हो, मकसद तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, दहशत फैलाना सिर्फ नहीं होगा, तो क्या कुछ अभी पूरी तफसील से जानकारी आ रही है? नहीं देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं जो एनएसजी की एक टीम है यहां पर पहुंची हुई है। ये एनएसजी की बम डिस्पोजल यूनिट है, बकायदा ये अभी कुछ देर पहले अंदर भी गई थी और अभी भी जो ये एक टीम है बकायदा, अगर आप देख रहे हैं जो बम डिस्पोजल यूनिट के लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वो कपड़े पहन के अंदर की तरफ जा रही है। किस तरह का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया इसकी जांच पड़ताल एनएसजी की टीम अंदर पहुंचकर कर रही है। इसके अलावा जो एक संदिग्ध है, एक संदिग्ध को सीसीटीवी संदिग्ध सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, उसकी पहचान की जा रही है, बकायदा बैग लेकर आ रहा है। देखिए जो आईईडी है वो सीसीटीवी फुटेज में कम से कम देखकर ये लगता है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत कम नहीं, उसमें काफी एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया था। चूंकि वो इस जगह पर जहां तस्वीर आप देख पा रहे हैं आशुतोष, इसी जगह पर वो बैग रखा गया था इस, और अंदर नहीं रखा गया था। अगर अंदर रखा गया होता तो शायद नुकसान ज्यादा होता, लेकिन बाहर रखा गया इस वजह से जो ब्लास्ट है वो बाहर हुआ, अंदर की तरफ धमाके के कुछ कण कुछ चीजें वो आ गई। लेकिन ये फिलहाल स्थिति एनएसजी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, साथ ही साथ जो संदिग्ध है उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हम सामने की तरफ से दिखाते हैं, ये फ्रंट है गेट रामेश्वर कैफे का, और गनीमत ये रही कि अंदर की तरफ या जो सस्पेक्ट है वो मेन सड़क है, उस मेन सड़क के अंदर नहीं गया। आपको बताऊं 2014 में भी बेंगलुरु में चर्च गेट एक फेमस इलाका है, वहां रेस्टोरेंट के बाहर जोरदार बम धमाका हुआ था, आईडी ब्लास्ट हुआ था। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जो 2014 में बम धमाका हुआ था चर्च गेट पर रेस्टोरेंट के बाहर, ठीक उसी तरीके का ये धमाका लग रहा है। अब संदिग्ध कौन है, किस तरह का संदिग्ध है, उसकी जाहिर सी बात है पहचान की जा रही है, वो सीसीटीवी बाकी और भी जो दूसरी एजेंसीज हैं उनसे शेयर की गई है ताकि उसकी पहचान हो सके। बकायदा अगर आप देखें तो जो संदिग्ध है वो बैग लेकर आता जाता दिखाई दे रहा है। ये रामेश्वरम कैफे काफी चर्चित कैफे है, अंदर की तरफ लोग काफी संख्या में बैठते हैं, और जो हमने दूसरा हिस्सा दिखाया हम फिर कोशिश करेंगे कि उस साइड दिखाने की कि आखिर जो संदिग्ध है ऐसा लगता है कि काफी हड़बड़ा गया वो, ये बैक साइड में जहां इस वक्त बेंगलुरु पुलिस के जवान खड़े दिखाई दे रहे हैं और एनएसजी की टीम आपको दिखाई दे रही होगी, यहां इस जगह पर वो जो आईडी है वो रखता है और इस वजह से धमाका बाहर की तरफ ही हो जाता है, यानी अंदर धमाका नहीं होता है। और अगर अंदर धमाका होता तो शायद कैजुअल्टीज ज्यादा होती, क्योंकि अगर आप सीसीटीवी देखें तो सीसीटीवी में ऐसा लगता है देखकर कि जो जोरदार धमाका है यानी भारी मात्रा में जो एक्सप्लोसिव है वो आईडी में इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा नल, उसके अलावा जो बकायदा जो नट है, उसके अलावा बॉल बेयरिंग है वो भी वो रिकवर हुआ है। तो फिलहाल अलग अलग एंगल से जो बेंगलोर पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जो एनएसजी की टीम है वो अभी अभी सुबह आई है, कई टीमें एक बार अंदर गई थी, अब बाहर भी गई है, किस तरह का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ उसकी जांच पड़ताल यहां पर कर रही है आशुतोष। अरविंद बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। देखिए बेंगलुरु ब्लास्ट के बाद राजनीति भी गरमाई हुई है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमने तो पहले ही आगाह किया था। Pakistan Jindabad in the assembly. What else in Karnataka? There is no law and order. Entire, I requested the governor, dismiss this government. This government not running properly to control the law and order situation in Karnataka. The state government is trying to hide the facts. They are not releasing the FSL report. And in fact, they are trying to create one more bogus FSL report today or tomorrow. By doing this, they are supporting all these anti-national elements simply because the minority people here in Karnataka will be upset with the Congress party.